आजादी के बाद इस देश के सामने कई दिक्कतें थीं। इस कृषि प्रधान देश में उद्योगों की स्थापना एक बड़ी चुनौती थी। बदलाव भरे क्रांतिकारी विचारों का दौर चल रहा था। सीमित संसाधन, पारिवारिक सहयोग, लगनशीलता के साथ औद्योगिक क्रांति उन दिनों जोरों पर थी। देश के प्रमुख उद्योगपति जैसे धीरूभाई अंबानी जहां रिलायंस का विस्तार कर रहे थे, वहीं देश के अन्य युवा भी कुछ नया कर गुजरने का सपना मन में पाले थे। वो ललक ही अलग थी, वक्त भी अलग था। उस दौर के ही एक युवा दिनेश चंद अग्रवाल ने इस देश में एक औद्योगिक क्रांति का संकल्प लेते हुए पॉलीमर इंडस्ट्री के क्षेत्र में कदम रखा। यूं तो इस वर्ष DLA ऑनर्स एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित इस शख्स और परिवार से ये शहर अच्छी तरह वाबस्ता है। शहर के प्रमुख सुरेश चंद दिनेश चंद साड़ी शोरूम परिवार के 5 भाइयों में सबसे छोटे दिनेश चंद अग्रवाल का जन्म 12 अगस्त 1949 को सुल्तानपुरा आगरा कैंट में हुआ। पिता स्वर्गीय राम भरोसी लाल का अकाल निधन उस समय हो गया जब दिनेश जी महज 4 महीने के थे। बाबा अनंत राम जी ने संयुक्त परिवार के साथ लालन पालन किया। माँ श्रीमती रामकली देवी ने 5 भाइयों ओम प्रकाश, सुरेश चंद, पदम चंद, राजनारायण और दिनेश चंद को एक सूत्र में बंधे रहने के संस्कार प्रदान किए। यह परिवार सन 1965 में सुल्तानपुरा को छोड़कर माइथॉन में बस गया। दिनेश जी के भाई सुरेश चंद अग्रवाल ने सन 1960 में फुआरे से सुरेश चंद दिनेश चंद साड़ी शोरूम की शुरुआत की। इधर सन 1968 में आगरा कॉलेज से BSc करने के बाद दिनेश जी MSc स्टार्ट करने मुंबई चले गए। वहां 1 साल तक पढ़ाई करने के दौरान ही उन्हें लंदन में लंदन स्कूल ऑफ पॉलीमर साइंस में एडमिशन मिल गया। लंदन से पॉलीमर इंजीनियर बनकर वे सन 1972 में भारत वापस लौट आए और सन 1973 में भरतपुर में पॉलीपैक इंडस्ट्रीज की स्थापना की। इस फैक्ट्री में PVC फिल्म बनती थी जिनसे सिल्मा सितारे बनाए जाते थे। सन 1976 में हाथरस रोड पर इस इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया गया। इस इकाई से 100% निर्यात किया जाता था। इधर 1983 में माइथॉन स्थित घर से RB सन्स यूनिट शुरू की। इस यूनिट में बनने वाले परिधान भी 100% एक्सपोर्ट ही होते थे। इस दौरान वाणिज्य मंत्रालय से इस इंडस्ट्री को कई एक्सपोर्ट अवार्ड्स मिले। कर्म को धर्म और अपनी माँ को देवी मानने वाले दिनेश अग्रवाल ने 1992 में वैकमेट इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। पूरी तरह आयातित मशीनों से शुरू की गई इस इकाई का उस समय टर्नओवर 6 करोड़ रुपए था। आज वैकमेट की सिकंदरा, छाता और कोसी कला में यूनिट्स स्थापित हैं। वैकमेट का टर्नओवर अब 800 करोड़ पहुंच गया है। इसमें 200 करोड़ का एक्सपोर्ट और 600 करोड़ का घरेलू कारोबार है। इस ग्रुप में वर्तमान में 1500 वर्कर्स हैं, जिनमें IIT जैसे संस्थानों से चुनिंदा 250 हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी शामिल हैं। फैक्ट्री में कार्यरत सभी लोग भी एक संयुक्त परिवार के रूप में ही हैं। वे भी हर सुख दुख की घड़ी में साथ खड़े रहते हैं। वैकमेट की गिनती पॉलिस्टर फिल्म, मेटेलिक यार्न, हाई बैरियर फिल्म, BOPP, मेटलाइज्ड पेपर, हॉट स्टैंपिंग फॉयल, होलोग्राफी फिल्म बनाने के मामले में दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में होती है। यूरोप, अमेरिका, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, रशिया, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, नेपाल सहित 55 देशों में वैकमेट के उत्पाद निर्यात हो रहे हैं। सन 2011 में वैकमेट इंडिया ने अपना विस्तार करते हुए लंदन में अपनी 100% सब्सिडियरी कंपनी वैकमेट यूरोप की स्थापना की। यह इकाई भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। यह एक व्यक्ति और एक परिवार के संयुक्त प्रयासों से रची गई एक सफलता की कहानी है। वह परिवार जो जिंदगी की हर धूप छांव में हर पल साथ खड़ा है। वैकमेट ग्रुप अब भी बुलंदियों की ओर अपने सफर पर कायम है। राबोबैंक नीदरलैंड की इस ग्रुप में 20% इक्विटी है और जर्मनी के लैंड्स बैंक ने 200 करोड़ की फंडिंग की है। ग्रुप का इरादा इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और पावर सेक्टर में भी आगे बढ़ने का है। छाता में एक 30 मेगावाट का पावर हाउस लगाने की योजना पर काम चल रहा है। वैकमेट की सफलता की इस गाथा में दिनेश जी के भाइयों का जो योगदान रहा वो तो काबिले तारीफ है ही।
साथ ही उनकी पत्नी श्रीमती रेखा अग्रवाल ने भी अपने धर्म का निर्वहन हर सुख और दुख की घड़ी में किया। रेखा अग्रवाल लायंस क्लब की चेयरपर्सन हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पुत्र मयंक अग्रवाल वैकमेट में डायरेक्टर एक्सपोर्ट का पद संभालकर इस ग्रुप को प्रगति की राह पर आगे ले जाने पर कार्यरत हैं, जबकि पुत्री मंजरी राहुल बंसल के साथ वैवाहिक बंधन में बंधकर साहित्य भवन परिवार में केएल बंसल के आंगन की रौनक बन चुकी हैं। दिनेश अग्रवाल का सपना अब वैकमेट ग्रुप का टर्नओवर सन 2020 तक 5000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का है और जल्द ही आईपीओ लाने की भी योजना है, ताकि ये संयुक्त परिवार कामयाबी की नई गाथाएं लिखता रहे और विघटनकारी समाज में पांच भाइयों की इस प्यार भरी एकता की अनूठी मिसाल पेश करता रहे।